सोनीपत लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और लगातार प्रत्याशी वोट की अपील करने के लिए जुटे हुए हैं। और इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने लोकसभा के सभी गांव पहुंचकर जनसंपर्क अभियान पूरा कर लिया है। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा इस बार 400 पर सीट पर पहुंचेगी और जनता द्वारा दिए गए इस नारे को एक बार फिर जनता पूरा करके दिखाएंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी। वहीं मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिस प्रकार से राहुल गांधी ने टिप्पणी की है और राहुल गांधी अपनी हार की बौखलाहट के चलते अनाप शनाप पर बयानबाजी कर रहे हैं, आज कांग्रेस में ना नेता है और ना ही नीति है। वहीं राहुल गांधी द्वारा सोनीपत में पहुंचने के दौरान मीडिया के प्रति दिए गए बयानबाजी को निंदनीय बताया है। वहीं संविधान बदल जाने को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा यह कांग्रेस का दुष्प्रचार है और जनता जान चुकी है, जनता पार्टी संविधान की पूजा करने वाली पार्टी है। जनता हित के लिए जो भी संशोधन हुए वह कांग्रेस और बीजेपी के समय में भी हुए हैं। वहीं उन्होंने अपने लिए वोट की अपील करते हुए कहा है कि 25 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाने का काम करें। और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आज मैंने पूरी सोनीपत लोकसभा प्रत्येक गांव प्रत्येक वार्ड में जाने का और आशीर्वाद लेने का, जनता का समर्थन लेने का काम पूरा किया है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और अब की बार 400 बार तीसरी बार मोदी सरकार, इस नारे को जनता ने अपनाया है, जनता का नारा है और जनता खुले मन के साथ पूरे मन के साथ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाने का काम जनता के आशीर्वाद से 25 मई को होगा। मोहनलाल जी, कल राहुल गांधी ने सोनीपत के अंदर रैली कही थी और कहा था बीजेपी का सुपड़ा साफ। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से प्रेस के ऊपर हमला किया है, लोकतंत्र में चौथा संबंध सतम प्रेस है और प्रेस पर आरोप भी लगाए हैं और आज राहुल गांधी अपनी बौखलाहट में अनाप शनाप बयान देने लगा है और ना उनके पास नीति है ना नेता है और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से प्रेस का अपमान किया है बहुत निंदनीय है। मोहनलाल जी, कल राहुल गांधी ने यह भी बोला है अगर बीजेपी वापसी करेगी तो संविधान बदल देगी, ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है, जनता जानती है हम संविधान की पूजा करने वाले लोग हैं और देश के लोगों की भलाई के लिए जो संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे वो हम ठोक के करेंगे, पीछे भी करे हैं, बहुत सारी ऐसी 370 जैसे कानूनों को हमने ख़त्म किया है जो देश के विरुद्ध देश की जनता के विरुद्ध जो भी इस प्रकार से संशोधन करने पड़ेंगे वो हम करने का काम करेंगे और आज तक संविधान में 127 संशोधन हुए हैं, वो कांग्रेस ने भी किए हैं हमने भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश प्रदेश वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि 25 मई को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन का दबा के आप कमल के फूल पर डली हुई वोट सीधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाएगी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।